मेरे घर में दो बेटे हैं। क्या है मेरे घर में? जम के बोलो, दो बेटे हैं। वाह। और तेरे यहां तो के भगवान की कृपा है, मेरे घर में ये दो मेरी बेटी है किए देखिए। दूसरा बोला, भैया भगवान ने बहुत कृपा करी, मेरे को तो इतनी कृपा करी कि मेरे घर में भगवान ने दो बेटे दे दिए, चिंता मुक्त हुआ। दूसरा जो खड़ा था उसकी आंख में आंसू भर गए, मेरे घर में दो बेटियां हैं। फिर बोला, अच्छा हुआ भगवान ने मुझे बेटे दिए। कहां? बेटियों पढ़ने जाए, कॉलेज जाए, उनको लेने जाओ, छोड़ने जाओ, उनका ध्यान रखो, इसलिए अच्छा है घर में बेटे हो गए। भगवान ने अच्छा मेरे घर में बेटी नहीं। इतने में पास में बेटी खड़ी थी, बेटी ने अंकल का कुर्ता खींचा। अंकल, ओ अंकल। हाँ बेटा बोल। अंकल, भगवान बेटी हमेशा मन वाले को, दिल वाले को और किस्मत वाले को देता है, भगवान बेटी कभी भिखारी को नहीं देता। वो छोटी सी लड़की ने, छोटी सी बेटी ने अंकल का कुर्ता खींच कर दी। कहा कि भगवान बेटी हमेशा दिल वाले को, किस्मत वाले को, भाग्य वाले को देता है, भिखारी को नहीं देता। जिसका मन ही नहीं है दान देने का, जो बहन तक को तो कभी एक रुपया निकाल के नहीं दे, कभी ननन तक को अठन्नी नहीं दे, भगवान ऐसे के घर में क्या छोरी देगा, क्या देगा? भगवान बेटी उसको देता है जिसका मन बड़ा। बेटी आ रही है देव भाग्य से, और बेटी अपनी किस्मत। एक बार स्वामी विवेकानंद वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, एक किसान कंधे पर अपनी बेटी को लेकर जा रहा था, दूसरी बेटी का हाथ पकड़ के जा रहा था। स्वामी विवेकानंद ने कहा, बाबा कहाँ जा रहे हो? ऊपर दर्शन करने, तुम्हारे को तुम्हारी बेटी का बोझा लग रहा होगा, लाओ मैं तुम्हारी बेटी को अपने कंधे पर बिठा लेता हूँ, ऊपर जगदम्बा के मंदिर में दे दूंगा, माँ देवी के मंदिर में दे दूंगा। इतने में किसान ने कहा, स्वामी विवेकानंद जी, बेटी बाप के कंधे पर बोझा नहीं होती, बेटी जब तक कंधे पर रहती है तो बाप के बोझ को भी हल्का कर देती है, वो बेटियां हुआ करती है। बेटी बाप पर बोझा नहीं है, जिस बाप को बेटी बोझा लगे वो बाप नहीं हो सकता। किस्मत वाले हैं। एक बार बेटा अपने माँ बाप को दुखी देख लेगा, पर बेटी कभी अपने माँ बाप को दुखी नहीं देख सकती। थोड़ा सा भी दुख आता है ना तो बेटी कह देती, मम्मी अगर तुम्हें यहाँ पर नहीं अच्छा लग रहा तो मेरे यहाँ, मेरे पास चलो, मेरे साथ रहना, मेरे पास में रहना, क्यों चिंता करती हो, चलो मेरे साथ में। बेटी होती है, जब तक घर में रहती है ना, कल आप लोग सुनेंगे पार्वती जी की विदाई, जब तक घर में रहती है चहकती रहती है, और जिस दिन चली जाती है तो तुम भी उसका मुंह देखने के लिए तरस जाते हो। बेटियां होती ही ऐसी है, बेटी का जीवन होता ही ऐसा है। मायके में रहती है तो जब तक कुंवारी रहती है पिताजी के साथ में बैठकर भोजन करती है, बाप के लिए आगे आगे बढ़कर, पिताजी थक के आए चाय ला कर दे देगी, जूस बना कर दे देगी, दूध ला कर दे देगी, पापा से पूछ लेगी, पापा कुछ थके हुए लग रहे हो, बहुत काम रहता है, मत करा करो इतना, क्यों करते हो पापा, टाइम नहीं मिलता, थोड़ा सा तो घर में रहा करो। बेटी एक ऐसी होती है जो बाप से आगे रहकर पूछ कर उनकी सेवा कर देती है। और एक बहू होती है, घर में रहती जरूर है पर पति के लिए सब कुछ कर सकती है, पर जब ससुर थका वांदा आएगा, पानी भी लाएगी तो टाइम देख कर लाएगी, चाय भी बनाएगी टाइम देख कर बनाएगी, और विचार करेगी कि सास बना दे तो सबसे अच्छा। परंतु एक बेटी होती है जो समय पर पिताजी को दवाई लेना है, और आज भी बेटी की भले शादी हो जाए पर बार बार फोन लगा कर बोलती है, पापा शुगर बढ़ जाएगी, दवाई ले लेना, वो डॉक्टर बहुत अच्छा आया है उससे ले लेना, वो महाराज आए हैं उनसे मिल लेना। बेटी एक ऐसी होती है जो बाप के लिए तत्पर रहती है, बाप के लिए तत्पर। और पर गांव में जब बेटियां ब्याहती हैं, बहुत दूर गांव अगर बेटी को ब्याह दिया, बहुत दूर भेज दिया, तो बेटी भी तरस जाती है अपने माँ बाप से मिलने के लिए, परिवार से मिलने के लिए।
और ऐसी कोई मानी जिसको मायके की याद नहीं आती हो, बूढ़ी से बूढ़ी को भी राखी पर त्यौहार पर ऋषि पंचमी पर अपने मायके की याद आ जाती है तो वो भी कह देती है तुम सब मायके चली जाओगी, घर में कोई तो रहे, एक काम करो पाकिट में 4 राखी रख दो, थोड़ी सी कंकु चावल रख दो, मेरे वीरा के लिए मेरे भाई के लिए भेज दो, भले मैं नहीं जा सकती पर राखी रख के भेज देती। और एक माँ होती है कि बेटी के घर में कोई ना जाए ना, और पूछ लेती है पड़ोसी से, ऐ संक्रांति का त्यौहार है, पंचमी का त्यौहार है, सामान आ रहा है, तू जा रहा है क्या उस गांव तक? हाँ जा रहा हूँ। क्यों, क्या बात है? मेरी बेटी क्या, एक थोड़ा सामान दे देना। तुरंत रात को बेसन सेक के लड्डू बना लिए, डब्बा में रख दिए, एक साड़ी रख दी, दो बिछुड़ी रख दी, चूड़ी रख दी, और बेटी को जो अच्छा लगता हो, अगर हैदराबाद के बिस्कुट मिक्सचर सेव जो अच्छा लगे वो बांध कर पैकेट में रख दिया और झोला बांध कर दे दिया, ये मेरी बेटी को दे देना। कहना बहुत याद आती है लाडो, कभी तो आ जाया कर। बेटी को आवाज लगाकर बाप, पड़ोसी काका जब आवाज लगाता लाडो, ओ लाडो, बेटी दौड़ कर आती है, मेरे पास वाले अंकल आए हैं। क्या बात है अंकल, ये तेरी माँ ने भेजा है बेटा, तेरे पापा ने ला कर दिया था, ले। बेटी अंदर ले जाती है, डब्बा खोल कर बेसन का लड्डू जब देखती है तो बेटी की आंख में भी आंसू भर आते हैं। माँ सब भूल जाते हैं पर तू नहीं भूल पाती है। बाहर निकल कर आकर कहती है, अंकल मेरे पापा कैसे हैं? पापा की पूछी, माँ की नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा माँ को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है। बेटी बाप को स्नेह इतना करती है, आते से पूछती है, मेरे पापा कैसे अंकल, और कैसे हैं, उनको कोई दुख तो नहीं है? बोलना, बहुत दिन हो जाते हैं, इतनी दूर गांव पढ़ना आया अंकल, इतनी दूर क्यों पढ़ना दिया? मेरे बाबू उनको देखने के लिए तरस जाती हूँ, कभी मिल ही नहीं पाते, भैया भी नहीं आता तीज त्यौहार पर, शहर में आता काम करके निकल जाता, मेरे पास नहीं आता। क्यों? मैं उनसे कुछ मांगती नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, 500 का नोट भी नहीं चाहिए, 1 रुपया नहीं चाहिए, साड़ी भी नहीं चाहिए, मैं आ नहीं सकती। घर आती हूँ तो मेरी भाभी को ऐसा लगता है कि ननंद आ गई, खूब लेकर चली जाएगी। मैं कौन समझाए भाभी, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, मेरे माँ बाप जब तक जिंदा हैं मेरा आने का मन करता है, मुझे बुलाते क्यों नहीं हो? बेटी एक ऐसी होती है जो भाव से दौड़ कर आ जाती है सब, बेटी का दिल ही ऐसा हो। लोग कहते हैं बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मां रोई, शिव महापुराण में लिखा है कि बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा हिमालय राज रोया, पत्थर भी रोया था पार्वती की विदाई में, पत्थर की भी आंख से आंसू निकल गए, हिमालय राज भी रो पड़ा। जानकी जी विदा हुए तो दशरथ जी रो, जनक जी रो पड़े। बेटी की विदाई में जितनी मां नहीं रोती उससे ज्यादा बाप रोता है। वो भी कह देता है इसको जो अच्छा लगे ना इसकी विदाई में दे दे, अच्छी अच्छी साड़ी दे दे, अटैची दे दे, देख ले जो चीज़ की कमी हो ना वो दे दे। पर आगे आकर कभी भी बाप रोता हुआ नहीं दिखता, दरवाजे के पीछे बेटी जब विदा होती है पीछे खड़ा हो जाता है, जा रही है, मैं कैसे विदा करूँगा इसको, इसको आगे से आगे कॉलेज ले जाना, स्कूल ले जाना, दुकान बंद कर करके चले जाता, ट्यूशन छोड़ कर आता, आज वही बेटी चली जाए कहाँ देखने को मिलती। बेटी का जीवन बड़ा विचित्र है। जितने दिन घर में रहे साहब बहुत खुश हुई है, इसके आने से खुशी आई है, बेटियां आ गईं, घर में आनंद आ गया। ननंद और बेटियां नहीं आए तो शादी का आनंद भी नहीं आता, इनके आने से कुछ नहीं दे पर आ जा। क्या मांग रही है तुमसे? नहीं तो एक जायदाद के हिस्सेदार ये भी है, जिस दिन खड़ी हो गई ना अदालत में पसीने छुड़वा देगी, पूरे फ्लैट का हिस्सा लेकर जाएगी। कम नहीं, बेटियां होती ही ऐसी। क्या मांगा तक्ष प्रजापति? हे जगदम्बा, हे जगत जननी, हे अम्बा, हे भवानी, मेरे घर में बेटी हो जाए। जगदम्बा खुद बोली, दुर्गा खुद बोली, तुम्हारे घर में पहले से तो इतनी बेटियां, इतनी बेटी का करोगे क्या? जगदम्बा ने जब बोला, दक्ष प्रजापति कहते हैं जितने बेटों से सुख नहीं है साहब, बेटी का मुख देखकर सुख मिल जाता है, इसलिए मुझे बेटियां चाहिए। मेरे घर में हे जगजननी तुम प्रकट हो जाओ, ये मेरे घर में तुम आ जाओ। दक्ष प्रजापति ने जब कहा, माँ तुम मेरे घर में आ जाओ, तुम मेरी बेटी बन जाओ, मेरी बेटी अगर घर में होगी तो मुझे सुख मिलेगा, मुझे आनंद मिलेगा। बेटी को कितना भी दुख होता है ना तो भी बाबुल से कहती नहीं है, पापा मेरे को दुख है,
हमेशा जब भी आएगी प्रसन्न दिखेगी, घर में कितना भी दुख रहे तो भी आनंद में। बेटा कैसी है? पापा अच्छी हूँ। बाबुल अच्छी हूँ मैं, कोई तकलीफ नहीं बाबा, ठीक हूँ मैं। अकेले में रो लेगी पर कह नहीं पाएगी। प्रेम रखिए, जितना रख सकते हो स्नेह रखिए। दूसरे घर की बेटियां अपने घर में आती हैं बहुत श्रद्धा लेकर, कितने अरमान लेकर आती हैं, सम्मान करिए। और बहुओं से भी निवेदन है, बेटियों से भी निवेदन है, घर के बुजुर्गों का सत्कार करिए। धन से नमन मत करो, माता पिता का सास ससुर का पैसा नहीं चाहिए। पैसा अगर मिल भी गया, हिस्सा जायदाद का मिल भी गया, तो चोर चुरा कर ले जाएंगे, वापिस रोड पर आ जाओगे, टैक्स का छापा पड़ गया, सब चले गया, कुछ नहीं बचा। माता पिता का जायदाद हिस्सा नहीं चाहिए, माता पिता की सेवा कर लो, उनका आशीर्वाद चाहिए। जायदाद का हिस्सा तो कब बर्बाद हो जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा, पर अगर आशीर्वाद मिल गया तो जीवन सार्थक हो जाएगा, फिर हिस्से की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हिस्से की जरूरत क्या? नानी भाई का मायरा सुना है आप लोगों ने? बोलो तो, सुना है? नरसिंह मेहता जी की दादी जी मरी थी, आपको मालूम है क्या नाम था उनका? अरे जल्दी बोलो, आप ही तो बोले नानी भाई का मायरा सुना है। अभी बोल देते नहीं सुना तो हम बताते। नानी भाई के मायरे में है ना नरसिंह मेहता जी की दादी जय कुंवर बाई, नानी भाई की परदादी जय कुंवर बाई। जब मरी तो जेठानी और देवरानी, नरसिंह मेहता की पत्नी और नरसिंह मेहता की भाभी, दोनों रोई। भाभी सबसे ज्यादा रोई, गले लिपट लिपट के रोई। किससे? दादी सास से। इतना घूंघट डाल के रोई, चिपक चिपक के रोई, चिल्ला चिल्ला के रोई, डिजाइन में रोई, खूब अच्छी रोई। और थोड़ी देर रोई, उसके बाद में देवरानी से बोली, तू रोले मैं पानी पी के आई। अब तू रोले तो पानी पी के आती। देवरानी जब रोने बैठी तब देवरानी को लगा, नरसिंह मेहता की पत्नी को लगा कि जेठानी जो इतना ताना देती थी, इतनी गाली देती थी, वो इतना क्यों रो रही है। जब देवरानी रोने बैठी तब मालूम पड़ा कि इतनी चिपक के क्यों रो रही थी। सास के कान में सोने की मुर्गी थी, उसको दांत से कतर रही थी, उस सोने की मुर्गी को निकाल रही। मायरे में, नानी भाई के मायरे में सुना होगा आपने, सोने की मुर्गी निकाल ले गई, मटका में डाल दिया और देवरानी रो रही। जेठानी के पास में पूरा घर, जमीन, जायदाद, संपदा सब कुछ था, पर नरसिंह मेहता के पास कुछ नहीं था। कथा में सुना होगा, कुछ भी नहीं। उसके बाद भी चार मंजिला मकान मिल गया, खोबरा से ठाठ हो गया, तो जेठानी ने गालियां दी किसको? जो बूढ़ी अम्मा मर गई जय कुंवर बाई, उसको, कि चुपचाप से दे गई होगी। चुपचाप से कुछ नहीं दिया, बस दादी ने अगर दिया तो आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद इतना फल गया कि जीवन सार्थक बना दिया, वो आशीर्वाद इतना फला। धन नहीं चाहिए, संपदा नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए। भगवान के मंदिर में जाओ तो रोज रोज कुछ मांगना नहीं, भगवान से निवेदन करना। अधिक मास चल रहा है, अधिक मास की कथा पढ़ोगी तो उसमें लिखा है, लिखा है क्या लिखा है कि द्रौपदी जब ब्राह्मण की पत्नी, ब्राह्मण की बेटी थी, बहुत छोटी थी, संत लोग आए, इसके पिताजी शांत हो गए। जब संत आए, संतों की इतनी सेवा करी, संतों ने कहा मांग बेटा तुझे क्या चाहिए, तो द्रौपदी ने क्या कहा था, मुझे सुंदर पति मिले, ज्ञानवान पति मिले, वीर पति मिले, अच्छा पति मिले, ऐसा पति मिले, वैसा पति मिले। द्रौपदी ने बस पति मिले, पति मिले, पति मिले 5 बार कह दिया था। तो संतों ने कहा जितनी बार तू बोली उतना ही मिले। अधिक मास की कथा में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अधिक मास की कथा में लिखा है, पोथी में, आप किताब पढ़ेंगे अधिक मास की, पोथी में लिखा है, जितना बोल रही है उतना पति मिले, उतना प्राप्त हो।
रोज रोज भगवान के मंदिर में जाकर भी नहीं मांगना, सोच कर मांगिए क्या मांग रहे हो।